हेलो दोस्तों, आज हम आ रहे हैं डिवाइड एंड फाइंड द क्वांटिटी एंड डिवीजन। हमें आज डिवीजन सीखना है। आज हम क्या सीखेंगे, हमें सिक्स का डिवाइड किससे देना, 44 से देना। तो इसके लिए मुझे सिक्स की टेबल आनी चाहिए। अगर मैं सिक्स की टेबल बोलूँ, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स सिक्स जा 36 और 67 जा 42 और 68 जा 48। अब 68 जा कितना आ रहा, 48 है, लेकिन हमारा कितना ही है, 44 है, और जबकि हमारा 68 जा कितना आ रहा, 48। तो हम 48 बड़ा हम कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम माइनस नहीं हो पाए। तो हम क्या लिखेंगे, 67 जा, जो उससे पहले वाला नंबर होता है, ठीक है, 67 जा 42। तो यहाँ पे क्या आएगा, 67 जा 42। अब यहाँ पे माइनस होगा, फोर में से टू गए टू और फोर में से फोर गए जीरो। अब ये सिक्स है, ये टू है, हमारे पास कोई नंबर्स नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ करना है, हमें एट की टेबल कहाँ तक बोलनी, 42 तक बोलनी। अगर आपको एट की टेबल आती है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी और एट सिक्स जा 48। और हमारे पास क्या है, 42। तो किस किन के बीच आ रहा, इनके बीच आ रहा, 40 एंड 48 के बीच आ रहा। तो हम बड़ा तो लिख नहीं सकते, 48 तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम 48 लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और हम माइनस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम उससे पहले क्या रहा है, एट फाइव जा 40 हम लिख सकते हैं। तो कितना टाइम जा रहा, एट फाइव जा 40। अब आप इसको माइनस करेंगे, टू में से जीरो गया टू और फोर में से फोर गए जीरो। अब ये एट है, ये टू है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो थैंक यू।